अच्छा चलो मैं एक चीज पूछती हूँ ना, जैसे हम खूबसूरती पे बात कर रहे थे ना मुनीब, आप अपनी स्किन का राज बताएं जरा, क्या करती हैं? तुम्हारी एक्चुअली बहुत अच्छी स्किन है मुनीब, माशाल्लाह। हाँ मुनीब सर बताएं, बताओ क्या रुजी इंजेक्शन इतना बड़ा झूठ है ये, मुझे इतने और मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि यार तूने इंजेक्शन। अच्छा जो मेरे पुराने दोस्त हैं कॉलेज के, उनको पता है कि मैं हमेशा से ही ऐसा था, लेकिन जो नए दोस्त कॉलेज और स्कूल जाके भी तो थोड़ा टैन हो जाते हैं ना अब, फिर उसके बाद घर बैठे तो थोड़ा सारे पूरे एरिया के लड़के हमारे जो है ना, उनकी अम्माएं बोल रही होती थी कि बाहर धूप में मत घूमो, काले हो जाओगे काले हो जाओगे। मेरी अम्मी बोलती नहीं थी, मेरा इतना पक्का रंग था कि मैं धूप में भी खेल के आता तो मैं रेड होता था, ब्राउन नहीं होता था। तो लाल ऐसे चीक्स हो जाते थे। तो स्किन के लिए मैं तो वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी नहीं करता, एक अच्छा सा फेस वॉश लगा हुआ है बस, दैट्स इट। ये जींस में लाइक अम्मा अब्बा की तरफ से मिलती है, अम्मी मेरी जो है वो प्योर कश्मीरी है, माइग्रेटेड फ्रॉम जो मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड, वहां से मेरी अम्मी माइग्रेटेड है, और फादर भी जो है वो मेरे वो पंजाब जो इंडिया का पंजाब है वहां से माइग्रेटेड है। तो हमारे अम्मी अब्बू दोनों कश्मीरी। एक और बात बताऊं इसकी, जो अगेन मैंने इसमें ही देखी है और किसी हीरो में नहीं देखी, इवन ये जो लड़के भी हल्का सा कंसील करते हैं, ही मेक श्योर कि अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करें वो जो कंसील करें, वरना बेचारे लड़के वो पता नहीं कौन सी जो भी पड़ा होता है वो इतनी मोटी मोटी बेस लगा। ये तुम्हें खुद एहसास है या एमन ने तुम्हें बताया कि मुनीब ये यूज करो? यार वकार भाई जो है मेकअप आर्टिस्ट, हां मेक, आज से कुछ 4 साल पहले हम एक बैंकॉक गए थे कमर्शियल शूट करने के लिए, वहाँ से वापसी में मैंने उनको बोला यार मुझे बताएं, क्योंकि यूजुअली जो सेट पे मेकअप आर्टिस्ट आते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, तो मैंने उनको बताया मुझे बताएं कि मैं क्या लूँ। तो उन्होंने मुझे एक दो प्रोडक्ट्स निकाल के दिए, एक वो कंसीलर था मैक का NC35, वो सिर्फ कंसीलर है, और उसके अलावा मैं बेस वगैरह कुछ भी यूज नहीं करता, सिर्फ एक मेरे पास एक छोटी सी कंसीलर होता है वो छोटी सी लिक्विड कंसीलर, और उसके साथ एक कॉम्पैक्ट पाउडर होता है जो एंटी शाइन होता है, बस दैट्स इट। और बाकी बाल में जो अपने हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई बेस नहीं, कोई मस्कारे नहीं, खुराक भी तो होती ना मुनीब, बाकियों के बाल निकली देखिए आप मेरे बाल, मेरे अपने बाल मुनीब, खुराक भी तो होती ना जिसे हम सब्जियां ज्यादा खाते हैं, हमारी गजा खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मैं स्मोक नहीं करता, कुछ नहीं करता, जिम जाते हो? जिम जाता हूँ, सिगरेट नहीं पीता, कुछ नहीं, तो मतलब इसकी वजह से जो है वो ऑटोमेटिकली। अमर तुम भी बताओ, तुम अपना माल अच्छे रखती हो, दिल नहीं दुखाता किसी का, चेहरे पे आता है रौनक, अल्लाह ताला रौनक की तरह से। हाँ अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।